हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीएचए इन्फोलॉग्स। और आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ वो मेरे बिल्कुल भी चैनल के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा चैनल जो है वो बाइक रिलेटेड, मोबाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यू का चैनल है दोस्तों। तो यूट्यूब के इशू को लेके मैं इतने वीडियोज़ वगैरह कभी डालता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन ये जो इशू है वो बहुत मेजर इशू है। और अगर आपको आपका चैनल आर्ट, मतलब आपका जो चैनल का बैनर है टॉप साइड में, वो अगर आपको चेंज करना है, आपको सोशल मीडिया के लिंक्स डालने उसमें, तो वो आप एडिट नहीं कर सकते इस एरर की वजह से, क्योंकि ये जो एरर का पॉपअप है वो लिख के आता है कि चेंज योर लैंग्वेज टू हिंदी, चेंज योर लैंग्वेज टू इंग्लिश, चेंज योर लैंग्वेज टू गुजराती वगैरह। एक्चुअली इंग्लिश नहीं आएगा क्योंकि हम सब लोग इंग्लिश में ही देखते हैं, लेकिन चेंज योर लैंग्वेज टू हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी, मतलब आपने गलती से कभी कभी आपके रिलीजन के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो वो लैंग्वेज वहां पे आ जाते हैं, तो उसका वो पॉपअप आता है कि चेंज योर लैंग्वेज टू हिंदी। तो मैंने हिंदी गलती से कर दिया था एक बार, तो वो लैंग्वेज आपको दो जगह से चेंज करनी पड़ती है दोस्तों। तो वो कहाँ कहाँ से और कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जब आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे प्रॉपरली तभी आपका जो लैंग्वेज चेंज का जो पॉपअप है वो चला जाएगा और आपके यूट्यूब स्टूडियो का बटन आ जाएगा, कस्टमाइज योर चैनल का और यूट्यूब स्टूडियो का बटन, ये दो जो बटन है, ये लैंग्वेज पॉपअप जब हट जाएगा तभी ये आपके बटन एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों आप आपका जो है चैनल आर्ट चेंज कर सकोगे, उसमें नीचे जो सोशल मीडिया के लिंक्स आते हैं वो लिंक्स डाल सकोगे। तो दोस्तों अभी देर नहीं करते और चलिए चलते आगे का वीडियो देखने। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ मेरे YouTube के मेन होम पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च वगैरह का प्लेस होल्डर है वो आपको मतलब इंग्लिश में ही दिख रहा है, मतलब लैंग्वेज अभी पूरा इंग्लिश सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मैं मेरे चैनल में यहाँ से लॉग इन करूँगा, तभी ये बोलेगा पॉपअप में कि मेरे को हिंदी सिलेक्ट करना है वहाँ पे। तो ये मैं अभी गया मेरे राइट साइड के आइकॉन पे प्रोफाइल वाले, फिर यहाँ से मैं जा रहा हूँ चैनल में, ठीक है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। और दोस्तों ये हो गया है मेरा चैनल अभी लोड, और लोड होते ही यहाँ पे ये पॉपअप दिख रहा है कि चूज योर लैंग्वेज टू हिंदी, तो और लर्न मोर का यहाँ पे बटन है। तो लर्न मोर में जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, और यूट्यूब के आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो दो बटन दिख रहे, देखो मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ के दो बटन्स भी गायब है। और ये सोशल लिंक्स भी आपको और एक एडिट करना है तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। और ये अबाउट टैब में जब भी हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट टैब की यहाँ पे अलग एक राइट साइड में सेटिंग का आइकॉन होता है, वो अभी आप स्क्रीनशॉट में देख लो, मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आप इमेज में देख रहे हो चार नंबर के बाजू में जो सेटिंग्स का आइकॉन है वो आपको आगे वीडियो में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको ये जो पॉपअप है चेंज योर लैंग्वेज टू हिंदी ये आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको पॉपअप एरर यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ऊपर मेरे प्रोफाइल वाले आइकॉन पर, मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ से जाएंगे लैंग्वेज इंग्लिश जो सिलेक्टेड है उसे हम लोग करेंगे दोस्तों हिंदी, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैं एक जगह पे लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो एक जगह पे मैंने अभी हिंदी कर दी है, क्यों? क्योंकि मुझे वो बटन्स लाने हैं। तो मैं अभी पॉपअप ने बोला वैसा हिंदी को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही मेरा पेज रिफ़्रेश होगा, और रिफ़्रेश होते ही मेरे जो टैब्स वगैरह के कुछ जो नाम है वो इंग्लिश में नहीं हिंदी में आ जाएंगे, पहले इंग्लिश में थे वो अभी हिंदी में आ जाएंगे। ये देखो खोजे जो है सर्च का प्लेस होल्डर, ये फटाक से गूगल अभी ट्रांसलेट कर देगा इसको, लेकिन ये बार बार ट्रांसलेट करना भी थोड़ा इरिटेटिंग होता है। ये देखो बटन भी पूरा मेरा हिंदी लैंग्वेज में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये यूट्यूब स्टूडियो का बटन आ गया, और ये कस्टमाइज़ का बटन आ रहा है वो भी हिंदी में आ रहा है। तो मुझे अभी ये लैंग्वेज चेंज करने के लिए करना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज को रिमूव। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये बटन्स तो आ गए लेकिन अभी मुझे करना ये इंग्लिश से हिंदी में। तो पहले मैं अभी सब चेक कर रहा हूँ कि वाकई मेरा हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट हुआ है ना, उन्होंने बोला है वैसा। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर का इन्फॉर्मेशन वगैरह भी है, जो अपलोड किए गए आवर्स वगैरह आते हैं, डेज आते हैं, वो भी सब मेरा हिंदी में हो चुका है। और ये टैब्स भी जो है अबाउट वगैरह है, और ये कुछ टेक्स्ट है वीडियो का, हेडिंग्स वगैरह, वो भी मेरा सब हिंदी में दिख रहा है दोस्तों। तो अभी ध्यान से देखना दोस्तों, जो मेरे से गलती हुई थी वो मैं अभी सुधारने जा रहा हूँ। इस बटन पर मैंने अभी क्लिक किया, और जहाँ पर मैंने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया था मेन, मतलब बहुत पहले, वहाँ पे जाके मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। तो ये आ गया कस्टमाइज चैनल पे, मेरा क्लिक करने के बाद ये आ गया। इसके बाद अभी जो सेटिंग का आइकॉन है नीचे, उस सेटिंग के आइकॉन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो सेटिंग का आइकॉन आते ही क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आता है, ये पॉपअप भी पूरा हिंदी में आ रहा है। तो इसको गूगल ट्रांसलेट अभी हिंदी का इंग्लिश में कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में खुलना चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, इस पॉपअप का जो नीचे ना ट्रांसलेशन इन्फॉर्मेशन,
देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, उस लास्ट वाले ऑप्शन का मैं ब्लू कलर का जो लिंक में पार्ट है उस पर मैं अभी क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करते ही मैं अंदर एक दूसरे पेज पे चला जाऊँगा। तो ये आ गया मेरा दूसरा पेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, तो जैसे ही लोड हो जाएगा तो ऊपर मेरा जो मतलब बैनर वगैरह है वो भी आ जाएगा। और देख रहे हो आप लेफ़्ट साइड में लोड हो गया ये, और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज आ रहा है। ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ पे बता रहा है हिंदी, जो मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले चेंज किया था, उसकी वजह से मेरा जो पूरा है लैंग्वेज चेंज का हिंदी वाला पॉपअप आ रहा था। तो यहाँ पे तो मुझे इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, लेकिन ये जो डिलीट का आइकॉन है इसको मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। डिलीट डिलीट को मैंने 2-3 बार दबाया, ठीक है। तो ये यहाँ से डिलीट वगैरह हो नहीं पा रहा है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी में गया और हिंदी का मैं ड्रॉप डाउन में जाके इंग्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश डालना है यहाँ पे, ENGLISH। जो ऊपर का UK वाला इंग्लिश है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, नीचे का मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिया। और ये यहाँ पे मैं अभी ये सेव कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही ये हो जाएगा सिलेक्शन मेरा, तो नीचे देखिए राइट साइड में बॉटम में कुछ चेंजेस हुआ, और योर चेंजेस सेव्ड करके यहाँ पे लिख के आया नीचे राइट साइड में बॉटम में। आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखेगा। और यहाँ पे तो अभी कुछ लैंग्वेज चेंज का अलग से डिलीट बिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो मतलब मेरा लैंग्वेज जो था प्राइमरी लैंग्वेज, जो मेन लैंग्वेज पूरे यूट्यूब के चैनल का इंटरफेस का, वो अभी इंग्लिश में चेंज हुआ है। लेकिन वो फिर भी वहाँ पर हिंदी ही बता रहा था। तो वापस एक बार मैंने अंदर क्लिक किया तो इंग्लिश बताया। तो ये सेव हो चुका है दोस्तों, अभी इसको आगे और देखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था, लेकिन अगर मैं अभी पूरा बाहर आ जाऊँगा तो ये प्रॉपर अभी इंग्लिश सिलेक्ट हुआ है। ये मैं अभी क्रिएटर स्टूडियो में जाऊँगा ना, तो सब मेरा इंग्लिश में दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी राइट साइड में जो क्रिएटर स्टूडियो का पॉपअप है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अभी मेरा हिंदी में आया। मेरा इंग्लिश में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले जो बाहर से राइट साइड में क्लिक करके हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की थी मेरे 2 बटन्स लाने के लिए। तो मैंने मेन लैंग्वेज तो अंदर जाके अभी इंग्लिश सेट कर दी, लेकिन अभी मेरे को इस प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करके वापस नीचे जाना है, और मेरा लैंग्वेज जो है वो बाहर मैंने हिंदी जो सिलेक्ट किया था वो हिंदी से इसको वापस करना है इंग्लिश सिलेक्ट। तो आप ये पॉपअप देखोगे तो अभी पॉपअप आपको बोलेगा कि आपका लैंग्वेज अंग्रेज़ी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये 2 बटन्स गायब है। तो ये 2 बटन्स लाने के लिए पहले मैंने हिंदी सिलेक्ट किया था, और अभी मुझे ये 2 बटन्स लाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इंग्लिश। मतलब ये पॉपअप जो आपको बोलेगा ना, वो लैंग्वेज आपको राइट साइड में जो ये आपका प्रोफाइल का आइकॉन है इसके अंदर लैंग्वेज है, ये देखो अभी यहाँ पे हिंदी है, तो उसको अभी आपको करना है इंग्लिश। मतलब यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है, और आपका अबाउट सेक्शन में जाके आपने भी सेटिंग्स आइकॉन में जाके भी जो एक पॉपअप खुला उसके नीचे जाके भी आपने एक उसके अंदर जाके लैंग्वेज आपका सिलेक्ट किया इंग्लिश। तो अंदर भी इंग्लिश हुआ सिलेक्ट, और बाहर भी इंग्लिश जब भी सिलेक्ट होता है तो आपको ये पॉपअप्स वगैरह आते नहीं। और ये अभी रिलोड हो रहा है, और रिलोड होके देखो आप प्ले होल्डर भी देख रहे हो सर्च का, वो पूरा इंग्लिश में आ रहा है। ये 2 बटन्स भी इंग्लिश में, और सब कुछ अभी मेरा इंग्लिश में है दोस्तों। तो अभी मुझे कहीं पर भी पॉपअप नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मैं मेरे सोशल मीडिया के आइकॉन्स भी चेंज कर पाऊँगा, सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो वीडियो में यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और आपको ये समझा रहेगा वीडियो जो मतलब आपके चैनल का इशू है वो कैसा क्लियर करते हैं वो। और मैं प्रोडक्ट रिव्यू भी डालता हूँ बाइक से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड, तो जो भी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी है मैं एक्चुअल रिव्यू देता हूँ आपको दोस्तों। तो आपको ये वीडियो और चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।